हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 17 जून से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1631 ईस्वी में आज ही के दिन दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल, जिस मुमताज महल की याद में बनाया गया था, उनका जन्म हुआ था। उनका विवाह सांझा से हुआ था। सन 1674 ईस्वी में आज ही के दिन जीजाबाई का निधन हुआ था। वह शादी भोसले की पत्नी और छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी। सन 1756 ईस्वी में आज ही के दिन नवाब सिराजुद्दौला ने 50,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता पर आक्रमण किया था। सन 1757 ईस्वी में आज ही के दिन मुर्शिदाबाद पर हमला करने के इरादे से निकला रॉबर्ट क्लाइव कटवा पहुंचा था और उसने किले पर कब्जा कर लिया था। सन 1799 ईस्वी में आज ही के दिन नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। सन 1855 ईस्वी में आज ही के दिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर पहुंचा था। सन 1858 ईस्वी में आज ही के दिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। सन 1862 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के पहले वायसराय और कुशल राजनीतिज्ञ लॉर्ड कैनिंग का निधन हुआ था। सन 1917 ईस्वी में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में हृदय कुंज को अपना आवास बनाया था। सन 1938 ईस्वी में आज ही के दिन जापान ने चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। सन 1970 ईस्वी में आज ही के दिन शिकागो में पहली बार किडनी प्रतिरोपण का ऑपरेशन हुआ था। सन 1973 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के जाने माने टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का जन्म हुआ था। सन 1980 ईस्वी में आज ही के दिन सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी महिला टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स का जन्म हुआ था। सन 2004 ईस्वी में आज ही के दिन मंगल ग्रह पर पृथ्वी की चट्टानों से मिलते जुलते पत्थर मिले थे। सन 2008 ईस्वी में आज ही के दिन देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलुरु में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। सन 2008 ईस्वी में आज ही के दिन कनाडा सरकार ने तमिल वर्ल्ड मूवमेंट संगठन को आतंकवादी समूहों की सूची में डाला था। सन 2008 ईस्वी में आज ही के दिन रूस ने अपने विनाशकारी रासायनिक हथियारों का जखीरा 2012 तक नष्ट करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। सन 2012 ईस्वी में आज ही के दिन साइना नेहवाल तीसरी बार इंडोनेशिया ओपन चैंपियन बनी थी। सन 2020 ईस्वी में आज ही के दिन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में मदद करने के लिए भारत को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी थी। सन 2020 ईस्वी में आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख की गलवान घाटी में हुए भारत चीन आमने सामने की प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि भारतीय शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो यदि यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।